टूरला विधानसभा क्षेत्र के लाइन पार स्थित ग्राम पंचायत भक्ति घड़ी के मजरा नगला छैकुर में मतदान बहिष्कार की सूचना पर पहुंचे डीएम और एसएसपी। डीएम और एसएसपी ने बहिष्कार करने वाले ग्रामीणों से की वार्ता और की मतदान करने की अपील। लंबे समय से सड़क न बनने से नाराज ग्रामीणों ने किया था मतदान का बहिष्कार। डीएम ने कहा, जब आप मतदान करोगे तो उसके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि पर आप दबाव बनाकर इस कार्य को पूरा करवा सकोगे। उन्होंने कहा कि हम भी रेलवे के अधिकारियों से इस मामले को लेकर करेंगे बात। दरअसल नगला छैकुर के ग्रामीण सड़क बनवाए जाने की मांग को लेकर लंबे समय से कर रहे थे विरोध प्रदर्शन। ग्रामीणों ने सड़क न बनवाए जाने को लेकर पहले ही दी थी आंदोलन करने और मतदान बहिष्कार की चेतावनी। दरअसल इस गांव की सड़क के नीचे रेलवे की है पाइपलाइन, इसलिए रेलवे नहीं बनने दे रहा इस मुख्य मार्ग को। फिरोजाबाद से जिला संवाददाता सौरा सिंह की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। ठीक है, तो अगर आप लोग जो जिस रुख में हो कि भाई हम नहीं वोट डालेंगे, जब लोगों को पता लग जाएगा, हम समझा रहे हैं आप लोगों को कि देखो, जब लोगों को पता चल जाएगा कि उस गांव से तो वोट मिलता ही नहीं है, तो कोई यहाँ वैसे भी नहीं आया करेगा फिर। ठीक है ना, समझते हो नहीं समझते? तो आप लोग मतदान करो और तुरंत मतदान करो, क्योंकि फिर ज्यादा विलंब हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में हमारा जो मोटिव था वो यही था कि नहीं, चलो अब मैं आ गया, मैंने आपकी पूरी बात समझ ली और इस विषय को भी समझ लिया है। देखो, एक चीज और मैं बताता हूँ, नहीं नहीं ऐसा है ना कि इन सब विषयों के लिए चुनाव एक माध्यम नहीं होता है। चुनाव आपका एक अधिकार है, आप उसे भी खोना चाह रहे हो। आप एक तो परेशानी में हो, उसके समाधान का एक तरीका आपके पास है कि आप अपने प्रतिनिधि को निर्वाचित कर सकते हो और उसके ऊपर दबाव बना सकते हो जिस बात के लिए, तो वो भी अधिकार आप छोड़ना चाह रहे हो। तो आप चलिए और मतदान करिए इस चीज के लिए। हाँ, ऐसा था कि तीन बार एसपी सिंह बने, एमपी हुए हैं, बराबर आश्वासन देते रहे। अभी देखिए, अभी जो एक मिनट मैं यही तो बात कह रहा हूँ। मैं यहाँ पर आपको किसी कैंडिडेट के संबंध में कोई चर्चा नहीं कर सकता, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। ठीक है, और हमें करनी भी नहीं है, और आपको हमसे ये बात नहीं करनी चाहिए। ये आपका विवेक है, आपका अधिकार है कि आप किसको अच्छा मानते हो, किसको खराब मानते हो। ठीक है, इसमें मैं कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं कर सकता आपको, ना मुझे करना चाहिए। तो हमें पॉलिटिकल चीजें नहीं डिस्कस करनी, हमें सिर्फ आपका अधिकार क्या है ये बताना है, वो मैंने बताया। आप लोग वोट के माध्यम से लोगों को सूचित करो कि आपका ये इशू है और आप पूरा गांव एक साथ हो इस विषय पे। तो जब ये कम्युनिकेशन हो जाएगा कि पूरा गांव इस मुद्दे पे एक साथ है, तो कोई भी आदमी आपको इग्नोर नहीं कर पाएगा। सर, मैं थोड़ी सी लाइट डालना चाहूंगा। अब समय नहीं है, बस देखो ऐसा है ना, समझ लो हम लोगों को और जगह भी जाना है, अब ज्यादा समय नहीं है। आपसे मेरी ये बात हुई ना अभी फोन पे, आपसे बात हुई, मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आपने कहा कि लोगों को समझाता हूँ। आप समझाइए, आप बुजुर्ग हैं, आप अगर एक विषय पे इकट्ठे हैं, ठीक है, तो आप चुनाव के माध्यम से ही, चाहे ये चुनाव हो या दूसरे भी चुनाव आते हैं, आपकी एक बड़ी से है, उसको आप जीरो क्यों करना चाहते हैं? कि ये गांव इकट्ठा होकर मतदान करता है तो आपकी चीजों का लोग तवज्जो देंगे। अब चलो ऐसा है, अब मतदान करिए। देखिए ऐसा है, डीएम साहब ने आपके सामने फोन पे बात की है, जो कुछ कर सकते थे वो आपके सामने। और एक चीज बता रहा हूँ, मुझे तो अभी यहाँ पर आए कम समय हुआ है, अगर इन सब समस्याओं को लेके आप लोग मेरे पास वैसे भी आएंगे, आपकी इन समस्याओं को अगर हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? ठीक है, तो अगर आप इन सब समस्याओं को लेके हमारे पास आएंगे, नॉर्मल समय में भी आएंगे, तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स ही मिलेगा और हम आपके साथ हैं, हमारी जिम्मेदारी है ये। ठीक है, तो चलिए आप लोग मतदान करिए और अब थोड़ा फास्ट करें, क्योंकि वोट यहाँ काफी है और बहुत लेट ना हो जाए, इसलिए तत्काल सब लोग शुरू हो जाइए और भीड़ ना लगे, एक लाइन से फटाफट करिए।